नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। हेडिंग्ले में भारतीय टीम के खेल को देखने के बाद सभी चाहने वालों को निराशा हुई है। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि भारत इस मैच में इतना खराब खेलेगा कि 100 रन भी नहीं बना पाएगा। बता दें कि भारत ने पहली पारी में महज 78 रन ही बनाए और पहले दिन के दूसरे सत्र में ही ऑल आउट हो गई। इस पारी में भारत के लिए सर्वाधिक रन स्कोरर रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 19 रन बनाए। आपको बता दें कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का एक भी खिलाड़ी पहली पारी में 20 रनों का आंकड़ा छूने में नाकाम हुआ हो। हालांकि इस मैच में गेंदबाजों से भी यही उम्मीद की थी कि वो कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, लेकिन यहां भी भारत के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि सभी इंग्लिश बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी की। खास करके कप्तान जो रूट, जिनका जवाब तो भारतीय गेंदबाजों के पास है ही नहीं, लेकिन अब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भारतीय फैंस के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने सभी भारतीय फैंस को निराश ना होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ तीसरा टेस्ट मैच ही है और अभी तो पूरी सीरीज बाकी है। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मानसिक रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी 3 दिनों में मैच खत्म किए हैं, कई मैच हमने तो 2 दिन में खत्म कर दिए हैं। कभी कभी जब हमारा दिन खराब होता है या हम पहली पारी में मैच में जल्दी आउट हो जाते हैं और हमें लंबे समय तक फील्डिंग करनी पड़ती है, शमी ने कहा। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी 2 टेस्ट बाकी हैं। ये अच्छी बात है कि भारत मानसिक रूप से मजबूत बना हुआ है, मगर जिस तरह से भारतीय मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहा है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि इंग्लैंड इस कमज़ोरी को छोड़ना नहीं चाहेगा और लगातार ऐसे ही पलटवार करता रहेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।